सिंधिया जी ने कहा कि ये कांग्रेस पार्टी की सरकार है, मगर ये मध्य प्रदेश के युवाओं की, किसानों की, महिलाओं की, मजदूरों की, गरीबों की भी सरकार है। और मैं यहां साफ कहना चाहता हूं, और मध्य प्रदेश का हर युवा, हर किसान इस बात को अच्छी तरह सुने और समझे, मालिक आप हैं, मालिक युवा और किसान है। और अगर कांग्रेस पार्टी ये चुनाव जीती है, अगर हम यहां सब के सब, अगर हम यहां इस स्टेज पे खड़े हैं, तो हम आपकी शक्ति के बल पर खड़े हैं। हम इस बात को नहीं भूलते हैं। और कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता, कोई भी कार्यकर्ता इस बात को ना भूले, मालिक जनता है, ज्ञान जनता में है, हमारा काम आपका ऑर्डर सुनने का है। हम वो 56 इंच वाली छाती उस सोच के लोग नहीं हैं, मैंने ये किया, 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 ना। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान का कर्जा माफ राहुल गांधी ने नहीं किया, कमलनाथ ने नहीं किया, मध्य प्रदेश के किसान ने किया। और आपकी शक्ति ने, आपकी शक्ति ने कांग्रेस पार्टी को चुनाव जिताया, और आपकी शक्ति ने आपका कर्ज माफ किया। हमने सिर्फ आपकी शक्ति को जोड़ने का काम किया, आपकी आवाज को सुनने का काम किया और आपका आदर किया। और इसी प्रकार कांग्रेस का हर चीफ मिनिस्टर, चाहे वो कमलनाथ जी हो, चाहे वो गहलोत जी हो, बघेल जी हो, अमरिंदर सिंह जी हो, नारायण स्वामी जी हो, और आने वाले समय में एक के बाद एक प्रदेशों में कांग्रेस पार्टी के जो चीफ मिनिस्टर आएंगे, वो इस बात को नहीं भूलेंगे। और अगर वो इस बात को भूलेंगे तो नया चीफ मिनिस्टर आ जाएगा। और मैं खुशी से कहना चाहता हूं, देखिए, मैंने 10 दिन की बात की, मैंने 10 दिन की बात की, मैंने कहा देखिए, किसान की आवाज है, पूरे देश में किसान चिल्ला कर कह रहा है, चिल्ला के कह रहा है कि हमें कोई तोहफा नहीं चाहिए, हमें कोई फ्री गिफ्ट नहीं चाहिए, हम आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं, हमें सिर्फ न्याय चाहिए। और किसान ने हमें कहा, और जो आप हमें कहते हो मैं कहता हूं, किसान ने हमें कहा कि अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए दिए, नीरव मोदी को 35,000 करोड़ रुपए दिए, मेहुल चौकसी को 35,000 करोड़ रुपए दिए, विजय माल्या को 10,000 करोड़ रुपए दिए, ललित मोदी को 1,000 करोड़ रुपए दिए, हमारा कर्जा माफ क्यों नहीं होता है? और हमने आपसे कहा कि घबराइए मत, सुनिए, हमने आपसे कहा घबराइए मत, 11 दिन नहीं, 10, कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, आप 10 गिनना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और जैसे ही हमारी सरकारें आए, मैं आपको बता रहा हूं, मैंने कमल जाची से एक शब्द नहीं बोला, 6 घंटे के अंदर कमलनाथ जी ने जो वायदा किया था, हमने जो वायदा किया था वो हमने पूरा किया।
नरेंद्र मोदी जी घबराए, मैं समझ गया हूं, नरेंद्र मोदी जी को डरा के आप कोई भी काम करा सकते हो।